सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 100-150 वर्ष पूर्व की बात है। इस कथा के यजमान ब्राह्मण देवता हैं और करणी जी की उपासना तो सभी जाति के लोग करते हैं। ऐसे ही एक ब्राह्मण देव थे, गीता पाठी, गीता के मर्मज्ञ, जो गंगा जी की शरण में आए हुए थे। और ये उस काल की बात है जब गीता जी की पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। उनके गुरुदेव ने हस्तलिखित वो पुस्तक उन्हें भेंट करी और वो पुस्तक उनके लिए किसी निधि से कम नहीं थी। गंगा स्नान हेतु जा रहे थे, सोचा नीचे भूमि पर कहां इस पुस्तक को रखूंगा। एक कोई सज्जन बैठे थे, कहा आप 2 मिनट इसे हाथ में पकड़िए, मैं गंगा जी में स्नान कराता हूं। गंगा जी में स्नान किया, देवी का ध्यान किया, जो उनका नित्य नियम था वो पूरा कर जैसे ही बाहर आए तो देखा वे सज्जन तो उस गीता जी की पुस्तक को ले पधारे। बेटा गीता जी की पुस्तक इतनी दुर्लभ होती, हाँ तो वे भी कोई सनातन प्रेमी गीता जी रे भगत, और मन में इतना सो लोभ आ गयो कि इतनी सुंदर गीता जी है, आप ही गीता जी रो पाठ करा। और वे तो गीता जी ले चल गया। अब ब्राह्मण देवता की तो हालत खराब हो गई। कहा माता जी धन पैसा कपड़े कुछ भी ले जाते तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती, मेरी गीता जी ले गए, मेरे गुरुदेव की दी निशानी ले गए। और आंखों से आंसू झड़ने लग गए, रो रो कर गंगा जी से कहने लगे कि माँ आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानने वाली हो, संतों को मोक्ष देने वाली हो, राजाओं को राज्य देने वाली हो, धन की आकांक्षा रखने वालों को धन धान्य देने वाली हो, देवी मैं तो आपसे मेरी गीता जी की पुस्तक मांग रहा हूं। और उनके हृदय से करुण पुकार ऐसी निकली कि संत वृंद बताते हैं कि गंगा जी से पवित्र वाणी का उद्घोष हुआ और गंगा मां ने कहा कि तू देश नोक चला जा। मां देशनोक कौन सी स्थान है, कि देश के किस कोने में है, कुछ जानते नहीं ब्राह्मण देवता। पूछा तो पता चला बीकानेर के रेगिस्तान में, जहां मिट्टी के ढोरे हैं वहां पर यह स्थान है देशनोक। पूछता पूछता दोरा सोरा महाराज बटे पहुंचा। पहुंचे तो रात्रि हो चुकी थी, करणी जी का मंदिर दिखा, मैं समझ गए कि गंगा जी ने मुझे करणी जी के चरणों में भेजा है। रात्रि हो चुकी थी, उस समय मां के मंदिर के ठीक बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। वे रात्रि आकर पीपल के वृक्ष के नीचे सो गए, सुबह मंदिर उठने की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही उनकी आंख लगी, उनको ऐसा दृष्टांत हुआ कि मंदिर के द्वार स्वतः खुल चुके हैं और वे उठकर मंदिर के भीतर जाने लगे। और अंदर देखा तो महामाया करणी जी महाराज उन्हें साक्षात स्वरूप में दिखे। और उनको बस इतनी प्रेरणा हुई कि तू बेलासर गांव की तरफ जा, वही तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। ये बेलासर गांव का नाम उन्होंने सुना और आंख खुल गई और खुद को उस पीपल के नीचे सोया पाया। मंदिर के द्वार मंगल थे, रात्रि का समय था। करणी जी महाराज का मंदिर तो सर्वदा 3 बजे प्रातःकाल भक्तों के लिए खुल जाता है। और ये ऐसी दयालु देवी हैं कि माँ के निज कक्ष के कपाट तो कभी 1 सेकंड के लिए भी मंगल नहीं होते।
और भक्तों के लिए सुबह 3 बजे से रात को 10:30 बजे तक जगदम्बा दर्शन देने के लिए विराजमान रहती है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अंदर गए, मंगला आरती के दर्शन करे और आदरणीय बारिदार जी से कहा कि मुझे ऐसा दृष्टांत हुआ है, मैं माँ गंगा की शरण से आया हूँ और अपनी गीता माँ को तलाश रहा हूँ। बारिदार जी ने कहा कि माँ ने आपको ऐसी प्रेरणा दी है तो कुछ विशेष रहस्य होगा। और वहाँ जो भक्तगण खड़े ये बात सुन रहे थे, उसमें से एक भक्त ने कहा कि मुझे कल ऐसी प्रेरणा हुई कि तू अपना ऊंट गाड़ा लेकर देशनोक जा और वहाँ से मेरे एक भक्त को बेलासर के कुएं पर छोड़ देना। बारिदार जी क्यों ले साहब आपकी सवारी तैयार है। अब ब्राह्मण देवता ने बात समझ तो नहीं आ रही, पर जिया छोटो टावर माता जी ने उंगली पकड़ चाले नहीं, जिया चालता रिया। अटे 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 माँ मुझे मेरी गीता जी दे दीजिए, मेरी गीता माँ दे दीजिए, मेरे गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई। और जैसे ही बेलासर गए, कुएं के ऊपर वो ब्राह्मण उस पुस्तक को टटोल रहे थे। वे भी यूं तो सज्जन थे, सनातन प्रेमी थे, मन में लोभ आ गया था। जैसे ही बेलासर के कुएं में दोनों ने एक दूसरे को देखा, ब्राह्मण देवता ने जिसने उनकी पुस्तक ली थी उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। जो पुस्तक ले गया वह तो संकेत किया मन में कि अरे यार पर चोरी पकड़ में आ गई, और ब्राह्मण देवता ने दंडवत प्रणाम किया और अधिक सकुचा गए, माफी मांगने लगे उन ब्राह्मण से। गीता जी लौटाई और कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो गया। सारी बात का माधुर्य हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने तो आपकी पुस्तक चुरा ली थी, आपको इतना कष्ट देखना पड़ा, फिर भी आपने आकर मुझे दंडवत प्रणाम क्यों किया? आ बात तो आपने भी जची नहीं, नहीं अपर जड़ हो तो आता ही ओड़मा दे तो अरे भाई वो पुस्तक तुम्हारी है, आप कितने दुष्ट हैं ये हमारी पुस्तक ले गए। और ब्राह्मण देवता ने दंडवत प्रणाम किया तो ब्राह्मण देवता ने अपनी मधुर वाणी में कहा कि आपकी कृपा से मैंने जगत जननी करणी जी महाराज के दर्शन कर लिए, के देशनोक धाम देख लिया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और ऐसे आज से कई वर्ष पूर्व भी गंगा जी और करणी जी की एक ऐसी मैत्री का भाव है, दोनों एक ही शक्तियां होते हुए भी लीला करने के लिए नाना रूपों में प्रकट है। बोले करणी जी महाराज की, बोले गंगे मैया की।